शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत व्यवसायिक प्रशिक्षकों ने बकाया वेतन और नियमितीकरण की मांग को लेकर विधानसभा अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने सरकार से चर्चा कर हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि व्यवसायिक शिक्षकों को SMDC द्वारा चयन प्रक्रिया के आधार पर नियुक्त किया गया था, किंतु बाद में उन्हें आउटसोर्स कंपनियों के हवाले कर दिया गया, जिससे व्यावसायिक प्रशिक्षक नाराज चल रहे हैं और सरकार को लंबे समय से नियमितीकरण की मांग करते आ रहे हैं। हम सभी रीवा जिले के व्यावसायिक शिक्षक जो शिक्षा विभाग के अंदर है, ये सरकारी स्कूलों में कई ट्रेड संचालित हैं, तो हम लोग आउटसोर्स के माध्यम से स्कूलों में रखे गए हैं। हम लोगों का करीब पिछले 9-10 माह से वेतन नहीं मिला है, जिस कारण से हम लोग मानसिक और आर्थिक रूप से काफ़ी संकट पे हैं। हम सब व्यावसायिक शिक्षक ट्रेनर हैं जो अपने MP में चल रहा है। हम लोग आउटसोर्स के माध्यम से स्कूलों में रखे गए हैं। हम लोग चाहते हैं कि आउटसोर्स को हटाया जाए। आज हम लोगों ने प्रशिक्षक व्यावसायिक प्रशिक्षक संघ के जितने भी रीवा जिले के व्यावसायिक प्रशिक्षक हैं, आज हम लोगों ने माननीय अध्यक्ष महोदय के पास अपनी मांगें लेकर आए थे, क्योंकि विगत वर्षों से ये जो व्यावसायिक नवीन व्यावसायिक शिक्षा चल रही है और इसके तहत विभिन्न शासकीय स्कूलों में ये संचालित है, विभिन्न ट्रेड संचालित हैं, जिसके तहत हम लोग बहुत सारे कार्यरत हैं। करीब रीवा जिले में 70 से 75 स्कूलों में विभिन्न ट्रेड संचालित हैं।